गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे अपनों से अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है। मन से लगा करके बात करना कुछ ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि अपनों से अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा मैंने क्यों कहा है? हम आपस में एक दूसरे के गैर दुश्मन पराए तो नहीं हैं? बोलो हां या ना। हमारे बीच में क्या कोई किसी तरह का लगाव है या नहीं? अगर आप मानते हैं कि हमारे बीच में लगाव है, तो उस लगाव को ये तोलने की आवश्यकता है कि वो लगाव किस क्षेत्र में है। पहला धन दौलत और दूसरा आत्मीयता। धन दौलत के आधार पर ये संसार चलता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ईश्वर की इच्छा से अपना नहीं उसका संसार चलाने के लिए हम आए हैं। मैंने अब से 1 घंटे पहले एक मैसेज डाला था धागा मिलकर के कपड़ा बनता है और धागा मिलकर के डोरा बनता है, तिनका मिलकर के रस्सा बनता है। मेरा इसमें कहने का मतलब है कि धागा अगर अकेला होगा तो कोई भी तोड़ देगा, फटाक से टूट जाएगा। परंतु धागे के साथ धागा मिलेगा तो मजबूती आएगी। अगर मजबूती आएगी तो वो हमारी सामर्थ्य बनेगी। वो हमारी सामर्थ्य बनेगी और जब हमारी सामर्थ्य बनेगी तो जो कमजोरी है, कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको मारने की ताकत हमारे अंदर पैदा होगी या नहीं होगी? जवाब दीजिए। मैंने अभी कहा है कि एक लड़ाई कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, हम अपनों से ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अपनों से अपनी लड़ाई लड़ी जाए तो हम अपनों को ही कमजोर कर रहे हैं।
हम अपनों को ही कमजोर कर रहे हैं। अगर हम अपनों को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं सारे का निचोड़ एक बता रहा हूं, एक होने में ही पूर्णता की प्राप्ति है। नशा करने वाले एक हो जाते हैं, चुगली करने वाले एक हो जाते हैं, चोरी करने वाले एक हो जाते हैं, बुरा काम करने वाले एक हो जाते हैं, तो अच्छे व्यक्ति क्यों नहीं अच्छा होते, एक होते। एक ही स्तर है जिस पर हम एक हो सकते हैं और उसका नाम है भाव की उत्कृष्टता। भाव की उत्कृष्टता। सवेरे जो मैसेज डाला गया है हरिता बेटा, सवेरे जो मैसेज डाला है उसको सब पढ़ें और अपने सबको पढ़ाएं। मुझे एक दिक्कत है, वो जागृति आए, जिसमें हम सब मिलकर के बुराई पर टूट पड़े। कोई मतलब नहीं है किसी और चीज का। उत्कृष्ट होना है तो निकृष्टता को मिटाना पड़ेगा। वो ही हमारी कमजोरी है। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है या नहीं? कहीं पर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो बताइए। देखिए, अकेले आप कोई बड़ा संघर्ष पैदा करना चाहते हैं तो नहीं कर सकेंगे। और बड़ा संघर्ष किए बगैर आज के समय में फैली हुई बुराई को आप मिटा नहीं सकेंगे। क्या आप इसकी आवश्यकता को नहीं समझते? क्या आप इसकी आवश्यकता को नहीं समझते? बेटी, हां मैं मानता हूं सविता, जागृति आ रही है, परंतु एकता कितनी आई, एकता कितनी आई? मैंने देखा है गांव में रात को चोर आ गए, एक ने आवाज देती तो सारा गांव अपनी लाठी लेकर के भाग पड़ता था। ये संगठन की ताकत की बात कह रहा हूं। बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। मैंने ही कहा था, मनुष्य उतावला है, धैर्य नहीं है, वो तुरंत परिणाम चाहता है। और मैंने ही कहा था, फल, किसी भी कर्म का फल समय, ज्ञान, श्रम, इन तीन चीज को मिलाए बगैर पैदा नहीं हो सकता। और कहा था एक बच्चे को पैदा करने में 9 माह चाहिए, तो इस बुराई को मिटाने के लिए भी समय चाहिए। उतावलेपन से ये सब नहीं हो सकता, उतावलेपन से ये सब नहीं हो सकता। परंतु ये कह रहा हूं क्या होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। याद रखना, मैंने नहीं किया जो अभी लिख करके भेजा है,
उसमें एक शब्द आया था कुंगरे, जो ऊपर दिखाई देते हैं। नींव का पत्थर किसी को दिखाई नहीं देता है, पर कुंगरे पर बिल्डिंग नहीं चिनी जाती, नींव के पत्थर पर बिल्डिंग चिनी जाती है। अब तुम सोचो, कुंगरे बनना चाहते हो या नींव के पत्थर बनना चाहते हो? मैं नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत महान है, वो जो ना करने के लिए कहे, जिद करे नहीं करूंगा, उससे भी करा लेगा। वो इतना ताकतवर है। इस जड़ संसार में ये स्थिति पैदा हो गई है। चेतन का स्वरूप साधारण से साधारण बन गया है। रीता बेटा बात तो ठीक लिख रही है, और होगा भी, जो हुआ है वो होगा भी, जो दुनिया में किसी ने किया है वो होगा भी। पर दिक्कत एक आ रही है, जो मैंने कहा धागे तो हैं पर साथ नहीं जुड़े हुए, आपस में नहीं गुथे हुए, बस ये दिक्कत आ रही है। बुराई के प्रति बार बार ललकारा जा रहा है, और सब जानते हैं क्या बुराई है और क्या अच्छाई है, किसने छोड़ दी और किसकी छूट गई, किसने छोड़ दी और किसकी छूट गई। कई बच्चे पिछले दिनों मुझे कुछ काफी कुछ कह रहे थे, जिसको मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता। मैंने केवल उनको ये कहा, तो सब कुछ छोड़ दिया जाए क्या? अगर हमें कोई मंजिल नहीं बन रही तो क्या प्रयास को छोड़ दिया जाए? धैर्य धैर्य धैर्य, आशा आशा आशा। इस उम्मीद में लगा हूं कि कभी तो ये निद्रा टूटेगी, जब आदमी को अपनी वास्तविकता नजर आए। जब तक सत्य नजर नहीं आएगा, जब तक सत्य सबको नजर नहीं आएगा, और मैं कहता हूं कुछ को आ जाए, बाकी तो पीछे लगने वाले भी होते हैं। एक रेलगाड़ी में कुछ आदमी एसी क्लास में बैठते हैं, कुछ स्लीपर में बैठते हैं, और जो गरीब होते हैं वो चालू डब्बे में, जनरल डब्बे में बैठ जाते हैं। एक इंजन खींचता है, एक ही रफ्तार से दौड़ते हैं, और एक ही समय पर सब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। पीछे लगने वालों का भी उद्धार हो जाएगा, पर कुछ तो ऐसे हों जो सत्य को पकड़ लें। इस दुनिया में जीव जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, शरीर यात्रा को पूरा करते रहते हैं, पर विशिष्ट जो स्वरूप है, जिसको भावना कहते हैं, जो उसके अंदर सन्निहित है, क्या कोई मना करेगा कि भावना हर जीव में नहीं है? उस भावना को नहीं जगा पाते।
बाहर से देखने में तो सारा आदमी देवता नजर आता है, बाहर से देखने पर तो हर आदमी देवता नजर आता है, पर सच्चाई उसके अंदर छुपी है और वो भी जानता है। अरे तो यही तो कह रहा हूं, देवता बनना है। इसीलिए मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा लगता है कि लड़ाई किसी और से नहीं, बुराई से नहीं, अपनों से लड़ाई हो रही है, जबकि लड़ाई को हमको बुराई से लड़ना है। लड़ाई को हमको बुराई से लड़ना है। अकेले लड़ेंगे तो कमजोर और मिलकर के लड़ेंगे तो ताकतवर। अब मिले कैसे? जब तक भावना नहीं जगेगी मिलन नहीं होगा, प्रेम नहीं जगेगा, दूरी नहीं मिटेगी, लगाव नहीं होगा। आप भी देखते होंगे और शास्त्री भी कहते हैं, सकल सूरत में देवता और राक्षस में कोई अंतर नहीं होता है, कर्मों में अंतर होता है, गुण में अंतर होता है। मैं तो कह रहा हूं कहीं आप ढूंढ करके देखिए, आपके अंदर तो राक्षस नहीं छुपा हुआ। आप दूसरों में गलती काटते हैं, कहीं गलती आप में तो नहीं छुपी हुई? उस कमी को मिटाना है। मैंने पिछले दिनों प्रवचन में कहा था, एक मां कई बच्चों को जन्म देती है, पर सबकी परिस्थितियां, सबकी घटनाएं, सबका भाग्य एक सा नहीं होता है। मैंने ये देखा है इस दुनिया में हर आदमी रोना ही रोता रहता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपने किए को बताता रहता है। अरे आए काहे के लिए थे? करने के लिए ही तो आए थे, पर क्या स्वार्थों में ही बढ़ जाओगे? बताइए, स्वार्थ के बाद दायरे के बाहर नहीं निकलोगे? अच्छे से समझ लें, जब तक आप रोना रोते रहेंगे, रोना रोते रहेंगे, कर्तव्य की भावना, कर्म की भावना को नहीं जगाएंगे। अगर भावना जगेगी तो कर्म से जगेगी। हमें उस भाव के अंदर उत्कृष्टता को पैदा करना है, जो हम में निकृष्टता है उसको मिटाना है, बस इतना सा काम है। लड़ाई हमारी आपस में नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। मुझे बताइए, दीपा ने मेरे से कहा, नूतन ने मेरे से कहा, रश्मि ने मेरे से कहा, इन्होंने सब ने मेरे से कहा, तो क्या तुमने मेरी बात मान ली? आपको अपनी कमी नजर आ गई, आपने अपनी कमी को मिटा लिया तो उत्कृष्टता मिल जाएगी। अगर हम वहीं के वहीं हैं, सुन लेते हैं वहीं के वहीं हैं, सवाल कर लेते हैं वहीं के वहीं हैं, इसलिए एक बात तो मानना पड़ेगा, अपने अंदर छुपी हुई कमी को देख करके उसको मिटाना पड़ेगा। भाव की उत्कृष्टता को अगर लेकर के आना है उत्कृष्टता आपके अंदर, परंतु अगर उसको लेकर के आना है। हा बेटा, एक बात और कह रहा हूं, ताकत मिलने से आएगी। मैंने कहा धागा धागा मिलकर के, तिनका तिनका मिलकर के ताकतवर बनते हैं, ताकतवर बनते हैं। इतने सारे जो आ रहे हो हीरे हो, जो इतने जुड़ते हैं ये हीरे हैं, बस वो एक पर्दा हट जाए, छोटा सा जो पर्दा ऊपर आया हुआ है वो हट जाए,
जितना तुम में वो भाव पैदा होने लग जाएगा और भाव में उत्कृष्टता आने लग जाएगी, उतना ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आवश्यकता उस उद्धारत का ही है, वो अगर पैदा हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण की तरफ को चलना है, जो समझाया है उस पर चलें, उस पर चलें, उस पर चलें। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान प्रज्ञा, सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन
मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेधन शोधन जागरण, षटचक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण,
मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में। ब्रह्म सत्ता चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन।
कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगादि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, सोमा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के पांच चरण पंचोंकार।
अब निवेदन करूंगा जो आज मैंने बात कही है फिर कह रहा हूं यहां नहीं लिखेंगे, यहां तो कुछ भी लिख देंगे, जो कहूंगा वो ही लिख देंगे। व्हाट्सएप पर लिखना, कौन साथ देने के लिए तैयार है, धागे से धागा मिलकर के रस्से में बटने के लिए कौन तैयार है, व्हाट्सएप पर लिखना यहां नहीं। आवश्यकता जागरण तभी आएगा, केवल सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे तो उससे जागरण नहीं आएगा। वो तो अवस्था सोए हुए को जगाते रहो, हां जग रहा हूं हां जग रहा हूं, वो ही होती है। भावना जगेगी, उत्कृष्टता को लाया जाएगा, कुछ अच्छा कुछ नया किया जाएगा। जिसको लिखना है वो व्हाट्सएप पर लिखिए, जो साथ देना चाहते हैं वो लिखिए, जो नहीं जुड़े हुए हैं बाद में सुनते हैं वो भी लिखें। आज की बात संपन्न।